दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े फूड स्टार्टअप्स के बारे में, जिसने अपनी कंपनी की शुरुआत जीरो से करी थी और आज के समय में ये कंपनी 46,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मॉडल बना लिया है। क्या है इसके पीछे का राज और किस तरह से इस कंपनी ने इतने बड़े बिजनेस के साम्राज्य को हासिल किया, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से इनकी ये टेक्निक आपके बिजनेस में सुपर काम कर सकती है और कैसे आप इसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं DoorDash स्टार्टअप के बारे में। यूनाइटेड स्टेट का एक ऐसा स्टार्टअप जिसने आज के समय में वहां की मार्केट शेयर को 57% तक कैप्चर कर लिया है। दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है। अगर हम कंपटीटर की बात करें तो यूबर इट्स और रूम हब नाम की दो कंपटीटर जो है इसके सामने खड़ी होती है, लेकिन वो भी इससे बहुत दूर है क्योंकि Uber Eats के पास अभी इस वक्त 21% का शेयर है, जबकि अगर बात करें उसके दूसरे कंपटीटर की GroomHub के बारे में तो सिर्फ 6% का शेयर रख रहा है, यानी कि इसके कंपटीटर इससे बहुत पीछे हैं। तो आखिर इस बिजनेस का राज क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले उसके बेस में जाना पड़ेगा। दोस्तों बेस में जाने के लिए अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो 2012 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और इस कंपनी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो दोस्त ने शुरू की थी, जिसमें से एक का नाम था टोनी जू और दूसरे का नाम था स्टैनली टैंक। दोस्तों इन दो बंदों ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी और 2012 में इस कंपनी का नाम था पाउलो अल्टो डिलीवरी .com। लेकिन 2012 के एंड में इस कंपनी को $120 मिलियन का फंडिंग रेज हुआ और फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो काम किया इस बिजनेस के नाम को चेंज करना और आप पाउलो अल्टो डिलीवरी .com से ये कंपनी बन गई DoorDash। DoorDash बनने के बाद से इस कंपनी ने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो किया। उन्होंने दो चीजों पर फोकस सबसे ज्यादा किया, पहला चीज कस्टमर था और दूसरा बिजनेसेस थे। ये वो बिजनेसेस थे जो अलग अलग जगहों पर क्लस्टर हुए पड़े थे, जिनके पास रिवेन्यू के ऑनलाइन मार्केट के जरिए सोर्स नहीं बन पा रहे थे। यानी रेस्टोरेंट बिजनेस में जो कस्टमर आते थे वही कस्टमर उसको कंज्यूम कर पाते थे, कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं मंगा पा रहा था। तो उसको इन्होंने समराइज किया और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे ऑनलाइन के जरिए इस बिजनेस की काफी तेजी से ग्रो हो सके। और आज के समय में अगर बात करें DoorDash की तो 2015 में इस कंपनी ने कनाडा के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था। 2017 में ये कंपनी ने और एक्सपेंशन किया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में अपने बिजनेस की शुरुआत करी और आज के समय में ये 2021 में इन्होंने जापान के अंदर भी बिजनेस की शुरुआत करी। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात कहूं तो टियर वन कंट्रीज का सबसे फेमस ब्रांड जो है ये कंपनी बन गई है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर इनके पास इस वक्त करीबन 4 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट कनेक्टेड हैं, 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं और अगर हम बात करें यहां पर तो 10 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर इस कंपनी के साथ जुड़ करके अपने जॉब को कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये इनका स्टेट्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी जल्दी ये कंपनी ग्रो कैसे हुई। तो दोस्तों कंपनी को ग्रोथ देने के लिए सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल ही बेटर होना जरूरी नहीं होता है, जबकि यह भी जरूरी होता है कि जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले पार्टनर हो, चाहे आपके जो कस्टमर हैं या फिर जो डिलीवरी वाले हैं, जो डैशर जिसे कहते हैं, उनको अच्छी खासी इनकम हो। क्योंकि अगर किसी को आपके प्लेटफॉर्म से या आपके बिजनेस से जुड़ के फायदा होता है तो ऑब्वियस ही बात है वो आपके बिजनेस को ग्रूम अप करने में, बिजनेस को ग्रो करने में भी काफी हद तक सहायता करने वाला है और यही काम इन्होंने किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस ओनर के लिए। तो अगर बिजनेस ओनर की बात करें तो बिजनेस ओनर्स को इन्होंने सबसे बेहतरीन एनालिटिक्स डैशबोर्ड दिया। अब ये एनालिटिक्स डैशबोर्ड का क्या कारण है, दोस्तों मैं अगर आपसे बोलूं कि आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो इस एरिया में ये प्रोडक्ट सबसे तेजी से बिक रहा है, सबसे ज्यादा बिक रहा है, ट्रेंड कर रहा है और आप अगर इस प्रोडक्ट को साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अपने प्रोडक्ट बिजनेस में अंदर ये प्रोडक्ट डाल देते हैं तो आपके बिजनेस का ग्रोथ भी काफी तेजी से हो सकता है। तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल करना चाहेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो उस एरिया के डैशबोर्ड थे वो डैशबोर्ड्स जो है अपने बिजनेस ओनर को, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था इनको, उनको दिखाना शुरू किया और उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की बात कर दी। इससे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को उस एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट के साथ बढ़ाने लग गए। इसके बाद जो दूसरा जो चीज़ हुई थी दोस्तों, उनका लोकल ब्रांडिंग जो है वो बहुत तेजी से होने लगा था।
कई बार पेमेंट के वजह से, पेमेंट के ग्लिचेज के वजह से कई सारे लोग जो आपसे दूर हट जाते हैं। तो ऐसे में इस कंपनी ने सीमलेस पेमेंट ऑप्शन जो है यहां पर दिया और इसके साथ साथ फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। ये हो गया उन बिजनेस को जो अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिया। और आज के समय में बता दो कि इंडिया के अंदर जोमैटो और स्विगी भी यही काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर ले कस्टमर की, तो कस्टमर के पास सबसे फास्ट गति से ऑर्डर जा रहा था, उसके बाद से इनको कुछ ऑफर्स दिए जा रहे थे और इसके साथ साथ उनको जो है बेहतर सपोर्ट दिए जा रहे थे। तो इसकी वजह से कस्टमर को काफी वैल्यू मिल गई, कूपन्स भी मिलना शुरू हो गया, ऑर्डर्स ज्यादा इनका बढ़ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो डैशर्स थे यानी कि जो डिलीवरी बॉय थे, तो किसी भी बंदे को उसके साथ जुड़ के बिजनेस करने का ऑप्शन इन्होंने दे दिया। जैसे कि अगर कोई लड़का स्टूडेंट है तो वो इनके साथ जुड़ करके बिजनेस कर सकता था, पैसे कमा सकता था, होम डिलीवरी कर सकता था, पिकअप एंड डिलीवर कर सकता था। उनके लिए ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग का सपोर्ट दिया कि भैया आप कभी भी चाहो, जब आपसे जब आपके पास टाइम होता है तब आप ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह से वो जो है अपने अर्निंग को बढ़ाने लग गए, अपने वॉलेट को इंक्रीज करने लग गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर डेली डिलीवर कर देते हो या जल्दी डिलीवर कर देते हो तो इसके बदले में आपको कुछ डॉलर कमीशन भी दिया जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि रिपीटेड ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कि आपके पास कितना रिपीटेड ऑर्डर आ रहा है। तो अगर हम बात करें डोरडैश की, तो डोरडैश के पास रिपीटेड ऑर्डर जो है वो बहुत ही बेटर आता है, 53% रिपीटेड ऑर्डर आता है। मतलब कि अगर उसने 100 कस्टमर को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट किया तो उसमें से 53% जो कस्टमर हैं वो उस कंपनी से फिर से ऑर्डर करेंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन जो होता है वो बिल्कुल घट जाता है यहां पे, क्योंकि 50% से ज्यादा उसका कन्वर्जन रेट रह रहा है। तो इससे जो है इनका ज्यादा फायदा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने फोकस किस एरिया पर किया। यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज आपको समझने की चीज है। आज के समय में मार्केट में प्राइस वार चल रहा है। प्राइस वार का मतलब ये होता है कि आप जितना ज्यादा कम प्राइस करोगे आपका प्रोडक्ट उतना सेल होगा। ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर चल रहा है, लेकिन इन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना नहीं सुना। इन्होंने ये शुरू किया कि भाई हम क्वालिटी देंगे, चीपर प्राइस नहीं देंगे, बट आपको बेटर क्वालिटी की गारंटी देंगे। तो क्वालिटी की वजह से इनका जो है ऑर्डर बढ़ा और इसके साथ साथ इन्होंने लोकल जो ऑर्डर्स थे उसको कम करा और जो थोड़े दूर वाले ऑर्डर्स थे उसको उन्होंने बूम अप किया। उसके बदले में उन्हें डिलीवरी चार्जेज मिल रहे थे और इसका बेनिफिट इन्होंने उठाना शुरू किया। तो ये एक तरह से बिजनेस मॉडल को काफी तेजी से इंक्रीज किया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस बिजनेस ने कमाया कैसे, इतनी अर्निंग कमाया कैसे। तो दोस्तों इस बिजनेस को कमाने के लिए रेस्टोरेंट के पास इन्होंने सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के पास गए और रेस्टोरेंट से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। रेस्टोरेंट से कनेक्ट किया और उनसे कहा कि हम आपको बेहतर ऑर्डर्स देंगे बशर्ते आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो उन्होंने इनके साथ जुड़ना शुरू कर लिया। दूसरा, इसके बाद वो एडवर्टाइज करके उनके बिजनेसेस को टॉप पर लाने की कवायद शुरू करें जहां पे ऐड के लिए पैसे वो देने शुरू कर दिए। इसके बाद से जो मेन रीजन था इसका वो इजी पेमेंट, उनके लिए पेमेंट का जो प्रोसेसिंग था वो अलग कर दिया। जैसे कि एक नॉर्मल के लिए पेमेंट जो है वो 2-4 दिन के बाद मिलता है, तो उनके लिए सेम डे प्रोसेसिंग करवा दिया। तो ये जो ऑप्शन थे इसके वजह से इनके ऑर्डर्स इंक्रीज होने लगे, इनके पास प्रॉफिट बढ़ने लगी और प्रॉफिट बढ़ने के साथ इनकी इंप्रूवमेंट जो है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है वो होने लगी। तो इस वजह से इनको प्रॉपर डैशबोर्ड सपोर्ट मिला कि किस किस प्रोडक्ट पे आजकल प्रोडक्ट चल रहा है। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की लिस्ट वो अपने मेन्यू लिस्ट में भी शामिल कर लेते थे। तो इस तरह से इनको काफी अच्छी इनकम जो है वो जनरेट शुरू हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कस्टमर्स से इन्होंने क्या पैसे चार्ज करने शुरू किए। तो दोस्तों कस्टमर एक बेटर अर्निंग पॉइंट होता है जहां से पैसे अर्न किए जा सकते हैं। अब हम बात करें कस्टमर की, तो यहां से उन्होंने डिलीवरी चार्जेस लेने शुरू करे और इसके साथ साथ उन्होंने सर्विस टैक्स भी लेने शुरू करे। लेकिन उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि अगर आप हमारे पास पेड सब्सक्रिप्शन में आ जाते हो, क्योंकि रिपीटेड ऑर्डर इनके पास अच्छा खासा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे पास पेड मेंबर बन जाते हो या हमारे पेड मेंबर बन जाते हो तो आपको जो है बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी डिलीवरी फीस के आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। अब यहां पर $199 प्लस सर्विस टैक्स जो है उन्होंने लगा दिया। तो लोग क्या करने लगे कि यहां पर ज्यादा पेमेंट करने लगे, ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेने लगे। और सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको पता है कि 5-10 बार लेंगे तो उनके सब्सक्रिप्शन के बराबर अमाउंट होगा और उसके बाद जाएंगे तो तब तक तो इनके पास उतनी अर्निंग हो गई रहेगी। तो ये एक बेटर काम किया। तो इसकी वजह से भी कस्टमर्स इनके साथ काफी जल्दी जुड़ने लगे।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि रियलिटी की, कि रियलिटी में किसको कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट ओनर भी बिजनेस कर रहा है, डिलीवरी बॉय भी बिजनेस कर रहा है, कस्टमर सिर्फ जो है वो कष्ट से मरेगा। तो इसके अलावा जो बाकी तीन लोग ये हैं, इनको कितने कितने परसेंट कमीशन मिलता है। तो एक ऑर्डर की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि $100 का एक ऑर्डर है, ठीक है, तो इस $100 के ऑर्डर में 61% जो है वो, यानी $61 ये जो है जाएगा रेस्टोरेंट ओनर के पास। दूसरा आता है वो होता है कि डैश, जो डोर डैश है इसके पास जो कितना जाएगा, तो इसके पास डोर डैश के पास 15% कमीशन जा रहा है, और जो बंदा इस ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है उसको ये कंपनी जो है वो 24% यानी $24 का शेयर देती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट है और बिजनेस में काम चालू है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोविड के बाद का क्या सिचुएशन है, कोविड के समय का क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों कोविड के समय में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में इन सारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, तो इनकी बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगी। यानी कि जो कोविड काल है यहाँ पर इनके ऑर्डर्स बहुत तेजी से बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन इस ऑर्डर के बढ़ने के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि कोविड जैसे खत्म होगा तो ऑर्डर्स डाउन होंगे और लोग बाहर निकलना शुरू होंगे, तो ऐसा एक इफेक्ट कारण हो सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इन पर नहीं आने वाला है। ड्रॉबैक दूसरा ये है दोस्तों कि अगर कोई रेस्टोरेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे रहा है, ऑर्डर के लिए ऐड के लिए पैसे दे रहा है, तो वहाँ पर उसकी मार्जिन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा ऑर्डर बढ़ेगा फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट पर जो है हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ कंपनियां खरी ना उतरे या ये कंपनी खरी ना उतरे, लेकिन अल्टीमेटली इसके लिए भी ये कंपनी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगी। तो ये एक चीज था जिसके वजह से ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो करने लगा। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, जो कस्टमर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो डिलीवर करते हैं उनकी अगर बात करें, तो यहां पर जो डेली वेज अभी रिसर्च में आ रहा है वो $145 के करीब आ रहा है, $1.45 पर आवर्स के चार्ज आ रहे हैं, जो कि अमेरिकन के जो डेली वेजेज है उससे बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे इसमें ऑर्डर्स बढ़ेंगे दोस्तों, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो इनके डेली वेजेज भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा कंपनी ने ये रियलाइज़ किया, जैसे जोमैटो और स्विगी भी करता है इस चीज़ को, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना इसके साथ ग्रोसरी को भी आइटम ऐड कर दिया जाए, और उन्होंने कम समय में ज़्यादा डिलीवरी करने का ऑप्शन दिया और ग्रोसरी के ऑप्शन को भी ऐड करा, और हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में अल्कोहल को भी ऐड करे और प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज करे। तो इस तरह से इस कंपनी ने बहुत सारे फेजेज में बहुत सारे तरीकों से अपनी कंपनी और बिजनेस को ग्रो किया। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, इससे आपको यह सीख मिलती है कि सबसे पहले आपके लिए जो बिजनेस पार्टनर है, और दूसरा जो कंपनियां जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं उसको जितना बेटर सर्विस देंगे आपका बिजनेस उतना ही तेजी से जल्दी जल्दी ग्रोथ में जाएगा, ये आपको सीख मिलता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप अगर और केस स्टडी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको भी आप तक पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।